यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर से जाने किसी का बैंक डिटेल, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, नाम, मोबाइल नंबर, बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस आप आसानी से जान सकते हैं और पैसा आपका 24 घंटे में रिफंड आ जाएगा। लाइव प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, सही तरीका क्या है वो भी आप लोगों को बताएंगे। देखिएगा आज होता क्या है इसमें, अगर हमारे पास आप डिटेल्स निकलवाएं और डिटेल्स जो भी आपको दिए हैं वो डिटेल्स देने के बाद आपको क्या करना होता है, ये हमारे यहाँ से मिल गया है आपको, उस डिटेल्स से आपको करना क्या होगा जो कि आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। बहुत आदमी हमारे यहाँ से डिटेल्स निकलवा लेता है बट वो उसका पैसा रिफंड आता नहीं, लेकिन आप लोगों को लाइव प्रोसेस हम बताते हैं। हम दिए हैं और ये अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक नेम और ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस आप लोगों के पास सब कुछ हमारे यहाँ से जो भी दे दिया गया है उस, मान लीजिए कि हम स्टेट बैंक का अगर खाता है उसका डिटेल्स निकाले, उसके स्टेट बैंक का खाता निकला, उसके अंदर कोई भी स्टेट बैंक का ब्रांच होगा जो हेड ब्रांच है वहां पे आप लोगों को चले जाना है, सीएसपी में नहीं जाना है, हेड ब्रांच में चले जाना है और वहां पे देखिए मैनेजर को आपको बोलना कि मेरे गलती से इसके अकाउंट में 50,000, 60,000, 70,000 पैसा इसके अकाउंट में चले गया, अगर कुछ निकल जाएगा तो आपको हम 1,000, 2,000, 5,000 दे देंगे इसके बदले में। आप डिटेल्स पर्सनल एड्रेस निकाल दीजिए और उसका मोबाइल नंबर पर्सनल निकाल के दे दीजिए, ये है अकाउंट नंबर, ये है आईएफएससी कोड, ये है सब कुछ डिटेल्स जो भी दिए हैं वो दे दीजिएगा, तो ब्रांच वाले आपको क्या करेगा पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल एड्रेस उसका निकाल के आपको दे देगा और उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करके अब आसानी से पेमेंट आप रिफंड करवा सकते हैं। कोई भी ब्रांच है उसी ब्रांच का वो भी खाता धारक है तो आपको करना क्या होगा, वही ब्रांच मैनेजर को बोलना है कि आप इसको बुलाइए यहाँ पे, उसको बोलिए कि इसके गलती से अकाउंट में पैसा चले गया है उससे हमको दिलवा दीजिए, तो ब्रांच मैनेजर आपको क्या करेगा दिलवा देगा, आपका पैसा रिफंड करवा देगा और तुरंत का तुरंत पलक झपकते नाम, उसके बाद अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस, अगर मोबाइल नंबर निकलवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, वहां से आप आसानी से निकलवा सकते हैं, कुछ छोटा छोटा सा चार्ज लगता है वो चार्ज आपको पे करके आप आसानी से निकलवा सकते हैं, आसानी से पैसा को आप रिफंड पा सकते हैं। तो गाइस यही तरीका है, इस तरीका को आप जरूर एक बार अपनाइएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू रत्न स्टूडियो, बाय।